गैस कम कर देता हूँ। अब इसमें मैं राजमा डाल ही देता हूँ। ये रही मटर, अब आप सोच रहे होंगे राजमा में कौन मटर डालता है, मैं डालता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इंडियन क्लॉथ्स पहन रखे थे जिसकी वजह से सबको मालूम हो गया था कि फायजा अब इंडिया। बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में, मेरा नाम दिवाकर है। और दोस्तों अभी मुझे ईरान जाने में है काफ़ी समय, यानी काफ़ी दिन बाकी हैं ईरान जाने में। इस बीच में मैं क्या करूँगा, इस बीच में एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि मुझे जाना है नीम करौली धाम, यानी कि कैंची धाम जो कि है नैनीताल में। दूसरा दोस्तों मैं हूँ घर में अकेला मतलब मेरे कहने का मतलब है मेरी मदर जो है वो मेरे ब्रदर के घर गई हुई हैं, तो मैं घर पर अकेला हूँ और मेरे दिन की शुरुआत बहुत बेकार होती है, तो इसको आप एक डेली व्लॉग समझ सकते हैं। तो मैं आपको कहाँ लेके चलता हूँ, पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एक जगह। तो दोस्तों वो एक जगह है मेरी किचन, यानी कि भाई मैं घर पर अकेला हूँ, यानी घर पर कोई नहीं है और खाना वगैरह सब मुझे खुद बनाना पड़ रहा है। मैं चार दिन से सिर्फ और सिर्फ क्या खा रहा हूँ, खिचड़ी, काली पीली काली पीली काली पीली, या तो वो मैं खा रहा हूँ, मैं दूध पिए जा रहा हूँ और दूध का भंडार हो गया घर में। और मैं नहीं नहीं ये भी एक अलग तरीका है, मैं भाई मेरे को खाना बनाना नहीं आता, तो आज आप इसमें देखने वाले हैं, आज आप देखने वाले हैं कि मैं किस तरीके से खाना बनाता हूँ। मैंने रात एक कुछ तैयारी कर रखी है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि शायद अगर खाना ख़राब हो गया तो वो खाना मैं आपके घर भेज दूँगा तो दोस्तों फिलहाल मैंने बहुत सारी तैयारी कर रखी है, मैंने रात ही करी थी। और मैं जो चीज़ मुझसे आती है वो मैंने कर लिया, मुझे आलू उबालना और दही, तो मैंने आलू दही खा ली, लेकिन अब मुझे बनाना है खाना, क्योंकि बहुत दिन से मैंने एक स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। लेकिन क्या मैं स्वादिष्ट खाना बना पाऊँगा ये तो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मैं क्या बनाने वाला हूँ। आज मैं बनाने वाला हूँ राजमा चावल। देखिए दोस्तों मैं जानता हूँ आप भी सोच रहे होंगे कि यार हम तो यहाँ फायजा को देखने आए थे, यहाँ तुम्हारी और फायजा की कहानी देखने आए थे, लेकिन दोस्तों अब ये कुछ दिन के लिए आप मुझे झेल लीजिए। मुझे पता है मुझे अच्छा नहीं लगता रोज़ रोज़ आपसे उल्टी सीधी बातें कहना कि अब हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे। देखो यार मैं डेली व्लॉग वाला इंसान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी कोशिश की थोड़ी बहुत, मुझे कोशिश पर थोड़ी बहुत प्यार दीजिए। तो आज हम बनाने वाले हैं राजमा और चावल, तो मैं दिखाता हूँ आपको। आगे आ जाओ। तो भाई मैंने यहाँ पर इस कुकर में राजमा जो है वो रात मैंने भिगो के रख दिया था, लेकिन मैंने उबाल दिया। अब मुझे पता नहीं ये उबाला जाता है क्या करा जाता है, लेकिन मुझे लगा मेरे को उबाल देना चाहिए, तो मैंने उबाल दिया। बड़ी गर्म हो रहा है यार। हाँ बढ़िया हो गया, देखो ये राजमा है। अब मैं इसे एक तरफ कर लूँगा और दूसरा फिर मैंने अभी आपको बताता हूँ, मैंने प्याज काट के रख रखी है, टमाटर काट के रख रखे हैं, और मेरे पास दही है, और क्या होना चाहिए, और मैंने बहुत सारे आलू उबाल के रखे थे, और मैंने बहुत सारे आलू उबाल के रखे हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये रहे टमाटर जो मैंने रात ही काट के रख दिए थे, ये रहे वो आलू जो मैंने उबाले थे, और ये रही बहुत सारी प्याज जो मैंने काटी थी। ये देख के, ये जो वीडियो है ना इसको देख के मेरे घर वाले अगर देख रहे होंगे तो वो बहुत खुश हो रहे होंगे, बोले देखो ये जो सबसे बड़ा आलसी इंसान, जो पड़े पड़े जो अपने रोटी लेने भी अब कच्चे तक नहीं आता था, वो आज देखो खाना बना रहा है। कितने खुश होंगे, बहुत खुश होंगे, मुझे पता है हंस रहे होंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले आलू छीलते हैं, उसके लिए हमें चाहिए एक प्लेट। देखो यार मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि यार ये मैं पहली बार बना रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता ये छीलेगा, और ना ही मैंने ये कहीं किसी उसमें देखा है कि आपने कि कोई वो देख ली हो रेसिपी, मुझे कुछ नहीं पता भाई इसके बारे में। मैं सिर्फ बना रहा हूँ, कैसा बनता है ये मुझे नहीं पता, ये भी एक बहुत बड़े इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो जाएगी, और अगर ये ख़राब बना तो मैं आपके घर भिजवा दूँगा, अच्छा बना तो मैं खा लूँगा मजाक कर रहा हूँ यार। और बड़े अजीब अजीब विचित्र विचित्र कमेंट आती हैं। एक भाई कह रहा है कि भाई तुम अपने नेल्स काट लो, कोई भाई कह रहा है अपनी दाढ़ी काट लो, भाई तुम लोग ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो जैसे मैं एक कौन सी जो क्लास जो छोटे होते हैं ना हम, तो वो हमारे घर वाले हमें कहीं हमारे जो है सिर में सरसों का तेल लगा के और हमारे बाल वगैरह बना के हमें भेजते हैं स्कूल, तो मुझे लगता है हमारी फैमिली के मेम्बर सभी मुझे ऐसे ही समझते हैं कि दिवाकर भाई को बहुत ही अच्छा देखना चाहिए, उनके नेल्स कटे होने चाहिए और उनकी दाढ़ी बनी बड़ी मतलब अच्छी बनी हुई होनी चाहिए। भाई मैं तुम्हें सच बताऊँ, मैं बहुत ही बड़ा आलसी इंसान हूँ, मैं इतना आलसी इंसान हूँ कि जब मैं
सोते सोते थक जाता हूँ तो मैं फिर सो जाता हूँ। तो भाई मेरे आलस की इंतहा है, और ये नेल्स काटना मैं जानता हूँ, इसके नेल्स काटने के लिए ये दाढ़ी काटना ये सब करना भाई जब तक बिल्कुल अति नहीं हो जाती ना, मैं तब तक ये काम नहीं करता हूँ। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है भाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसको दिखाऊंगा। एक होता है ना इंसान के अंदर कि यार अच्छा दिखना है हमें, अच्छा लगना है हमें, समाज में जाना है हमें बढ़िया लगना है, और तो भाई मेरे अंदर वो नहीं है। फिर कोई अभी देखो कोई कमेंट कर देगा कि यार खुद के लिए तो करना पड़ता है, मैं भाई खुद के लिए भी नहीं करना चाहता, मैं बहुत बड़ा आलसी इंसान हूँ। तो हम जल्दी से ये छील लेते हैं। लेकिन एक बात बताता हूँ मैं आपको, भले से मैं अपनी दाढ़ी नहीं काटता, मैंने कभी कभार जो है वो नेल्स बहुत लेट काटता हूँ, लेकिन मैं नहाता दिन में 3 बार हूँ। उसका रीज़न ये है कि भाई एक तो सुबह उठते ही मैं नहाता हूँ, बिना कुछ खाए मैं नहाता हूँ, फिर शाम को जब मैं पूजा करता हूँ तब मैं नहाता हूँ, और फिर रात को जब मैं ध्यान ज्ञान करता हूँ मैं तब नहाता हूँ। तो भाई मैं नहाता हूँ 3 बार, इतना अगर कोई नहाता हो तो मुझे बताना। तो भाई नहाना ज़रूरी है, देखो नहाओगे तो दाढ़ी भी साफ़ रहेगी और नेल्स के अंदर गंदगी भी नहीं रहेगी, उसे भी आप साफ़ करते रहोगे। लेकिन फिर भी मैं काट लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। ये मेरे आलू छिल गए, मेरे आलू मतलब हमारे आलू मतलब आलू। और कौन कौन भाई कुकिंग जानता है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कौन कौन भाई ऐसा है जिसको कुकिंग आती है कमेंट में बताइएगा। अब देखो यार, ये मैंने जो है आलू छील दिए हैं। हाँ मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, रुको, ये रही मटर। अब आप सोच रहे होंगे राजमा में कौन मटर डालता है, मैं डालता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्योंकि जब आपको बनाना नहीं आता तो आप कुछ भी बना सकते हैं, आपके पास एक लिबर्टी होती है कि आप कुछ भी नया नया चीज़ जो है ट्राई कर सकते हैं। तो मैं वही कर रहा हूँ, तो आइए देखते हैं अब क्या क्या हम करते हैं। टी 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 टी। ये रही हमारी बहुत बड़ी सी कढ़ाई जिसको मैंने धो लिया था पहले। अब हम इसमें लगाते हैं गैस, जलाते हैं गैस, जलाते हैं गैस, जलाते हैं। मेरे पास लाइटर नहीं है। तो भाई अब लेते हैं हम पहले मस्टर्ड ऑयल जिसको बोलते हैं सरसों का तेल, देखते हैं कितना डालना चाहिए। ओह ज़्यादा हो गया क्या? लगता है मैंने ज़्यादा तेल डाल दिया है। चलो अब इसको देखते हैं, और मैं इसको घुमा लेता हूँ, मुझे पता नहीं गर्म हो रही है। तो भाई हमने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। दूसरा मैंने इधर कुछ स्पाइसेस निकाल दिए हैं, ये मिर्ची है, ये हल्दी है, ये तेज पत्ता है, इसके नीचे लौंग है, काली मिर्च है, और यहाँ जीरा है। तो हम इसको पहले जो है बढ़िया से भूनेंगे। देखो यार ये सब चीज़ें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी ऐसा कोई भी मौका आ सकता है जहाँ पर आपको खाना बनाना आना चाहिए। ये मैं किससे कह रहा हूँ, मैं भी खुद से कह रहा हूँ भाई, तुमसे नहीं कह रहा। तो यही मौका है कि मुझे खुद ही खाना बनाना पड़ रहा है। तो भाई तेल लग रहा है, हो चुका है गर्मा गर्म। अब हम इसमें डालेंगे क्या, जीरा। भाई जीरा तब तक डालते हैं जब तक वो जीरा ब्राउन ना हो जाए, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें, लगता है जीरा हो गया है ब्राउन। अब डालेंगे हम इसमें प्याज। तो हम इसको प्याज डालेंगे, और प्याज को ऐसा मैंने सुना है कि जब तक प्याज ना हो जाए ब्राउन तब तक आपको करना है इसको क्या, गर्म। अब प्याज हो चुकी है भाई ब्राउन, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर।
अब डालेंगे इसमें सारे मसाले। कुछ है मेरे पास पनीर मसाला, ये मैं इसमें डाल देता हूँ। टैन 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 टैन। और ये मेरे पास है सब्जी मसाला, ये भी मैं इसमें डाल देता हूँ। अब हम मसालों को बढ़िया से भून लेंगे, ऐसा मैंने सुना है। यहाँ हम नमक डालना तो भूल ही गए। दो अब हम इसमें क्या करेंगे ना, हम इसमें आलू भी डाल देंगे। आलू डालने नहीं, अभी नहीं, अभी मसाला नहीं भुना इसलिए आलू डालना ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स कर देते हैं। अब हम इसको इंतज़ार करते हैं कि मसाले भुन जाएं। कहते हैं मसाला तभी भुन जाता है जब उसमें से को मतलब ये जैसे आ रहा है ना, तो इसमें ये ऑयल जो है एक तरफ होने लगता है, तब आप समझ जाइएगा मसाला भुन गया है। तो अभी मैं उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। खुशबू तो बढ़िया आ रही है, खुशबू बढ़िया आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे आलू, जिसको मैंने थोड़ा सा कचूमर बना दिया आलू का। और कचूमर बना देते हैं इसका, थोड़ा पानी मिला देते हैं। अब थोड़ी मटर मिला देते हैं। देखने में कितना बढ़िया लग रहा है ये, आपको लग रहा है ये करा? इसमें पानी मिलाते हैं, लेकिन हम पानी मिला देते हैं इसका ही। ये देखते हैं, ये राजमा का ही पानी है जो मैंने इसमें मिला दिया। तो भाई ये लग रहा है कि भुन चुका है। हाँ बढ़िया, भुन भी चुका है, जल भी चुका है। अबे यार मैंने जला दिया भाई, गैस कम कर देता हूँ। अब इसमें मैं राजमा डाल ही देता हूँ। इस डिश का नाम आप बताइएगा, ये सिर्फ राजमा नहीं है, ये आलू राजमा मटर, ये इस डिश का नाम है। इस डिश का नाम जो है राजमा ही नहीं है, क्योंकि इसमें राजमा है, आलू है और मटर है। अब हम इसको ढक देते हैं। ये हमने इसको ढक दिया। तो दोस्तों ये हो गया हमारा राजमा आलू मटर तैयार। मुझे नहीं पता, कुछ लोग कह रहे होंगे भाई क्या बना रहा है तू, क्या बना दिया तूने ये। भाई देखो, जब इंसान भूखा होता है ना, तो जो बन रहा होता है उसे चुपचाप वो खा लेना चाहिए। तो जो बन रहा है वो मैं चुपचाप खा लूँगा, आप चुपचाप देख लो, क्योंकि आप मुझे पता है घर पे आराम से पराठे पेल रहे होगे, लेकिन भाई मेरी स्थिति कुछ और है। घर पे मेरे कोई नहीं है, सब कुछ मुझे खुद करना पड़ रहा है, जो कि मुझे आता भी नहीं है। तो ये अपना जो है ये हो जाएगा थोड़ी देर में तैयार। इतने में बनाता हूँ चावल। चावल बनाना तो बहुत आसान है, सबको पता है। तो दोस्तों ये मेरे चावल भी मैंने कर दिए हैं बिल्कुल तैयार, और बस इसमें मुझे लगाना है ये। तो हमने चावल भी कर दिए हैं, और नीचे जलानी है हमने इसकी गैस। तो भाई चावल भी हो जाएंगे रेडी, सब कुछ हो गया तैयार। एक बार तो ऊपर आ जाओ,
सब कुछ हो गया है तैयार, अब मुझे करना है इंतजार, बस थोड़ा सा धनिया और काट लेता हूँ ताकि मैं उसके ऊपर से ऐसे ऐसे डाल दूँ तो ज़रा प्रेजेंटेशन अच्छी लगे, तो मुझे खाने में और ज़्यादा आनंद आए। वैसे मेरे पास दही भी है तो दही के साथ भी मैं बहुत आराम से लजीज तरीके से खा सकता हूँ, बढ़िया तरीके से खा सकता हूँ। तो दोस्तों ये बनता है, फिर देखते हैं कि कैसा बना है। तो भाई हो गया तैयार, बहुत देर हो गई, लगभग एक घंटा हो गया, मैंने बड़ी स्लो करके गैस रख रखी थी, तो तैयार हो गया है। अब मैं इसको निकालता हूँ, मतलब देखता हूँ कैसा बना है। सबसे पहले उधर चावल अपने बन गए हैं, तो देखते हैं हम। बढ़िया एकदम, देखने में तो बहुत लजीज लग रहा है भाई। लेकिन इसका नाम, इसका नाम भाई सब लोग कमेंट में बताएंगे, सब बताएंगे इसका नाम क्या है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता इसका नाम क्या है। तो भाई अब हम इसे लेते हैं। ओहो भाई बहुत भूख लग रही है। ओहो देख रहे हो लजीज लग रहा है। अब इधर चावल लेते हैं। ओहो देख रहे हो चावल एकदम बढ़िया चावल बने। ये देखो धुआं ही धुआं आ रहा है, भाप भाप। ये आ गए चावल। आखिरकार मैंने बना लिया है अपना राजमा, आलू, मटर और चावल, और ये है भाई घी। अब घी जाएगा इसके अंदर और ये और भी ज़्यादा लजीज हो जाएगा, साथ में हम मिलेंगे दही। तो फिलहाल मैं खाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है, और शायद उसके बाद मैं जाऊँगा एक्सरसाइज करने, क्योंकि मुझे एक ज़माना हो गया है कि मैंने एक्सरसाइज नहीं करी। तो खाना खाने के बाद मैं नहीं, पहले कुछ और करेंगे फिर उसके बाद एक्सरसाइज करने चलेंगे। तो दोस्तों अभी मैं भोजन ग्रहण कर ही रहा था, मैंने भोजन अभी अपना पूरा किया ही था कि तभी मुझे फायजा की कॉल आ गई, और फायजा ने मुझे बताया कि उसकी एक फ्रेंड है जिसका जिसको मैं भी जानता हूँ और उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है और पास में ही रहती है, उसकी शादी का एक सेलिब्रेशन में वो है। तो दोस्तों उसने मुझे, मैंने उससे कहा कि जब तुम वहाँ पर हो तो मुझे उसकी वीडियो दिखाओ ताकि हम अपनी फैमिली को भी दिखा सकें कि ऐसा सेलिब्रेशन होता है इरानियंस में, और शायद ऐसा ही कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है हमारा भी। तो ये वीडियो जो है वो फायजा ने भेजी है अभी अभी, ये वीडियो आप देखिए और बताइए इसके बारे में। Thank you.
तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा और किस तरीके से सेलिब्रेशन हुआ फाइजा के फ्रेंड का, फाइजा पूरे दिन वहां पर थी और अपने फ्रेंड के सेलिब्रेशन में उसके साथ थी। और सबसे अच्छी बात है फाइजा ने वहां पे इंडियन क्लॉथ्स पहन रखे थे जिसकी वजह से सबको मालूम हो गया था कि फाइजा अब इंडिया जाने वाली है और क्यों जाने वाली है ये सबको पता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ओम नमो नारायण।